हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानमंजरी विद्यापीठ महुआ। आई एम अभिषेक गोस्वामी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू वॉच माय ऑल वीडियोस अबाउट सोशल साइंस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू डन होमवर्क रेगुलरली एंड रेगुलरली सेंड टू अवर सब्जेक्ट टीचर्स। इन द लास्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट रिविजन पार्ट ऑफ लेसन 9। वी कंप्लीटेड हाफ पार्ट ऑफ द लेसन इन द रिविजन, बट टूडे वी आर डिस्कसिंग द रिमेन पार्ट ऑफ द लेसन इन अ रिविजन पैटर्न। सो हमने लास्ट लेक्चर में हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो रिमेन पार्ट है इस लेसन का उसको कंप्लीट करेंगे। सो हमने 10 लेक्चर में टोटली हम लेसन 9 को हमने कवर किया है। सो इसके बाद के लेक्चर की बात करें तो हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के वीडियो की बात करें तो हम जो रिमेन पार्ट है जो हमारा रिविजन में बाकी रह गया था उसको पहले कंप्लीट करेंगे। सो हमने चैप्टर को रिवीजन कर रहे थे तब हम इस टॉपिक पे स्टॉप हुए थे, यानी कि वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। हमने पहले भी पढ़ा है कि वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन की सिचुएशन में देखने को मिलते हैं, तो हम इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइगर के बारे में हमने जाना था कि टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, बट टाइगर की बात करें तो जो लास्ट सेंचुरी थी, जो 19th सेंचुरी थी, उसमें क्या हो रहा था कि टाइगर की पॉपुलेशन थ्रू आउट इंडिया थी, टोटली इंडिया में टाइगर देखने को मिलते थे। लेकिन आज की बात करें तो टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। 21st सेंचुरी की बात करें तो काफ़ी पॉपुलेशन कम हो गई है। हम गुजरात की बात करें तो लास्ट सेंचुरी में गुजरात में हमारे ईडर, अंबाजी और दाता में टाइगर देखने को मिलते थे, लेकिन आज की बात करें तो टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। हमारे गुजरात के फॉरेस्ट में टाइगर देखने को नहीं मिलते। ऐसे ही हमने चीता के बारे में भी पढ़ा था कि चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। चीता की बात करें तो फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड है। देन बात करें अदर बर्ड स्पीसीज की बात करें तो काफ़ी एक बर्ड स्पीसीज से वो पहले हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन आज की बात करें तो उसकी सिचुएशन वर्ल्ड ऑन एक्सटिंक्शन की हो गई है। काफ़ी खतरे में हमें यह बर्ड देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है सम ऑफ देम लाइक वल्चर, डक विथ पिंक थ्रोट, क्रेंस एंड ऑल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देन बात करें चिलोत्रो बर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड है हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड। तो चिलोत्रो बर्ड की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में चिलोत्रो बर्ड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन आज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में चिलोत्रो बर्ड की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। देन बात करें एलिगेटर्स की, तो एलिगेटर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो फ्रेश रिवर वाटर है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन हमारे इंडिया में गंगा रिवर रीजन है वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन आज दोनों की बात करें एलिगेटर्स और डॉल्फिन दोनों आज डेंजर ऑफ सर्वाइवल की सिचुएशन में हमें देखने को मिलते हैं। और डॉल्फिन की बात करें तो इट इज़ अ नेशनल वाटर एनिमल ऑफ आवर इंडिया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सी टर्टल्स की बात करें तो सी टर्टल्स एग लेइंग के लिए कहाँ आते थे, उड़ीसा और गुजरात के कोस्ट के नियर। तो आज की बात करें तो सी टर्टल की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है हमारे गुजरात और उड़ीसा के कोस्ट में जो एग लेइंग वो करते थे, लेकिन आज की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। देन यह भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाटरफॉल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जल बिलाड़ी, तो उसकी पॉपुलेशन नर्मदा, तापी, मही और साबरमती रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आज की बात करें तो इट इज़ ऑन अ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट सिचुएशन। ये सभी वाटरफॉल है वो काफ़ी एक्सटिंक्ट सिचुएशन में हमें देखने को मिलती है। देन हमने रीजन्स के बारे में भी जाना था कि कैसे वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें आपको एक पॉइंट तो याद रखना ही है कि डीफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को खो देते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहते और वो अर्बन एरिया में आ जाते हैं, तो यह भी एक पॉइंट है कि इसी के कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देन हम बात करें कि ह्यूमन इंटरफियंस, हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम एनिमल को किल कर रहे हैं,
हम उसकी हंटिंग कर रहे हैं, तो इसी के कारण हमारी ह्यूमन इंटरफियर्स के कारण वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफियरेंस इन अ ग्रासलैंड एंड इन अ वाटरशेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल इज पुट इन अ डेंजर। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बेलेंस। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल। देन हंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हंटिंग द एनिमल टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स एंड नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देन बात करें हम हमारे ग्रीडी मोटिव्स, हमारे काफ़ी बड़े बड़े मोटिव्स है, हमें क्या करना है, रोड्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने हैं, देन माइनिंग करना है, देन हमें कुछ नया सेटलमेंट्स करना है सिटी में, तो इसके कारण क्या होगा, हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट करना पड़ेगा। हम रोड की बात करें, 4 लेन 6 लेन जो रोड्स है उसके निर्माण के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, रास्ते में जो भी पेड़ आ रहे हैं, जो भी ट्रीज आ रहे हैं उसको काटना पड़ेगा। तो ये हमारे ग्रीडी मोटिव्स है कि हमें क्या करना है, रोड्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने हैं, हमें माइनिंग करनी है, इसी के कारण भी डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल होता है। जो वाइल्ड एनिमल है उसकी पॉपुलेशन इसी के कारण कम होती है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधे पे, यानी कि वेजिटेशन पे। अगर वेजिटेशन अच्छी होगी तो उसको प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा। लेकिन हम बात करें हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कम करते जा रहे हैं, तो उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वह उसको नहीं मिल रही है, इसी के कारण वाइल्ड लाइफ एनिमल हमें डिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रक्ट देखने को मिलते हैं। देन बात करें कि हम क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड में हम ग्रास फ्यूल और ग्रेजिंग, हम क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड में हम ग्रेजिंग करा रहे हैं, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उसकी चराई करा रहे हैं। देन बात करें कि हम क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल फायर है, जो फॉरेस्ट में नेचुरल फायर देखने को मिलती है, इसी के कारण क्या हो रहा है, जो भी यंग एनिमल है वह डेथ, उसकी जो किल हो रही है। देन हम बात करें एग्स, जो भी एग्स ले होते हैं तो उसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, तो इसी के कारण हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। एक तो पहला कि हम हमारी मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम फॉरेस्ट लैंड को एनक्रोच कर रहे हैं। देन सेकेंड, जो फॉरेस्ट फायर हो रही है इसी के कारण भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देन हम बात करें कि एनिमल है उसकी नेचुरल हैबिटेट खो जा रही है, तो इसी के कारण क्या होगा, वह अर्बन एरिया तक आ जाएगी, और उसके अर्बन एरिया तक आने से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल होगा, हमारे साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट होगी, और कभी कभी ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो यह भी एक लॉस हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का देखने को मिलता है। देन बात करें हंटिंग टू प्रोक्योर बायोमेडिसिन और थिंग्स विच कैन मेक परफ्यूम ऑल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हम बात करें कि बायोमेडिसिन बनानी है, देन परफ्यूम बनाना है, तो ये सभी हमारे मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनिमल को हंट कर रहे हैं, इसी के कारण भी एनिमल है वो वर्ज ऑफ एक्सटेंशन की सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। देन बात करें मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है, तो इसी के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात कि हमें क्या करना है, हमारा एटीट्यूड चेंज करना है। हमारा एटीट्यूड क्या है कि हम फॉरेस्ट पे डिपेंडेड है, हमें फायरवुड चाहिए, बिल्डिंग वुड चाहिए, फर्नीचर वुड चाहिए, देन हमें हंटिंग करना है, तो हमारा एटीट्यूड क्या है फॉरेस्ट के टुवार्ड्स, हम ऐसा सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट है वह नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ एनिमल की, सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एटीट्यूड हमें चेंज करना है। देन हम बात करें कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट है वह हमारी अनलिमिटेड इनकम है, हम उसमें से ज़्यादातर सोर्सेस प्राप्त करते जाएंगे और हम अपनी इनकम को अनलिमिटेड बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, और क्या करना है कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए भी है, ऐसा एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा,
इसी के कारण वाइल्ड लाइफ एनिमल है वो प्रिजर्व हो पाएगी। देन बात करें मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द नंबर बिटवीन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट, हमें क्या करना है, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल है उसका बैलेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेक्चर में भी देखा था कि क्या हो रहा था, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही थी। इकोसिस्टम की बात करें तो फर्स्ट स्टेप इज सन, देन सेकेंड प्लांट, देन थर्ड हर्बीवोरस एनिमल, देन कार्निवोरस एनिमल। तो क्या हो रहा था कि एक इकोसिस्टम है उसकी साइकिल कंप्लीटली चलती रहती है। तो डिफोरेस्टेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के कारण क्या होगा कि कभी कभी हर्बीवोरस एनिमल की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाती है, तो टोटली जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी कार्निवोरस एनिमल है उसकी भी पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो टोटली जो साइकिल चल रही है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। देन हम बात करें प्लांट्स की, डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, प्लांट की पॉपुलेशन भी काफ़ी डिक्रीज हो रही है। तो प्लांट इज़ अ इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इकोसिस्टम, अगर प्लांट ही नहीं होगे तो हर्बीवोरस एनिमल अपना फूड कहाँ से लेंगे। देन हर्बीवोरस एनिमल के पास कोई फूड नहीं आएगा, तो कार्निवोरस एनिमल उसके पास से जो एनर्जी है वो कैसे मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, मेंटेनेंस करना होगा किसका, इकोसिस्टम का, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन क्या करना है, इसके मेंटेनेंस के लिए क्या करना है, हमें वाटर सोर्सेस अवेलेबल कराने हैं इन द फॉरेस्ट। वाटर सोर्सेस अवेलेबल हो गए तो इसके कारण क्या होगा, हर्बीवोरस एनिमल देन कार्निवोरस एनिमल की जो डेथ हेवन नहीं होगी, उसको पर्याप्त मात्रा में वाटर मिलता रहेगा और अपनी जो साइकिल है वो चलती रहेगी। देन क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल शुड बी टेकन, हमें क्या करना है, डोमेस्टिक एनिमल के जो ग्रेजिंग है चराई का काम है उस पर भी हमें रोक लगानी पड़ेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग, हमें हंटिंग पर भी बैन लगाना होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंटिंग के कारण क्या होगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल की पॉपुलेशन कम होगी, अगर उसकी पॉपुलेशन कम होगी तो हमारी इकोसिस्टम में जो स्टेप है वह उसमें भी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा, तो हमें हंटिंग पे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे। देन दोज लॉज शुड बी इम्प्लांटेड वेरी हार्शली, जो हम लॉ बना रहे हैं वह इम्प्लांट काफ़ी स्ट्रिक्टली होना चाहिए, यह भी ज़रूरी है। देन हम बात करें हैवी पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड फॉर इनलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया एंड अ फाइन शुड बी इम्पोज, जो भी इनलीगल माइनिंग हो रही है फॉरेस्ट में उस पे भी हमें हैवी पनिशमेंट लगानी पड़ेगी। देन बात करें कि हमें क्या करना है, जब भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसका प्रोएक्टिव पीरियड चालू हो, यानी कि रिप्रोडक्शन के स्टेज में जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल हमें देखने को मिलते हैं, तभी हमें क्या करना है कि हमें अरेंजमेंट रखना पड़ेगा कि ह्यूमन के द्वारा कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देन हमें क्या करना है, स्टडी डेवलप करनी है किसकी, इफ़ेक्ट ऑफ फिशरीज, फॉरेस्ट गैदरिंग और टूरिज्म ऑफ द फॉरेस्ट, इसकी हमें स्टडी अवेलेबल करानी होगी और उसके कोर्सेज हमें कॉलेज और स्कूल में उपलब्ध कराने हैं। इसी के कारण क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो उसकी स्टडी अवेलेबल है, तो इसके कारण क्या होगा, हमें टोटली फॉरेस्ट की टोटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके कारण क्या होगा, हमें पता चलेगा जो भी पॉइंट्स है उसको सोचने का हमें वक्त मिलेगा कि हमें हमारा फॉरेस्ट बचाना है। हम हमारे सिलेबस की बात करें तो हम इस चैप्टर में फॉरेस्ट के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में अवेयर बने, हमें पता चले कि आज की सिचुएशन क्या है। तो इसी के कारण भी हमें करना पड़ेगा कि हमें स्टडी अवेलेबल करानी पड़ेगी। देन बात करें, प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी, हमें क्या करना है, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स को एक्टिव रखना है। हम बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो वहाँ हाल ही में रिसेंटली वहाँ जो वन हॉर्न राइनो है उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स एक्टिव की गई है। देन हम बात करें सभी एनिमल, ऑल एनिमल लाइक टाइगर लायन, तो उस सभी के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स होती है, तो अगर वह इनएक्टिव हो जाएगी तो
तो हमें क्या करना है, हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, कि उस पे प्रेशर बनाए कि वह एक्टिव हो, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर इनएक्टिव होगी तो क्या करना है, गवर्नमेंट को उस पे प्रेशर बनाना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस टॉपिक की बात करें तो हमने काफ़ी बार इसका रिवीजन लेक्चर के दौरान भी कर लिया, तो मैं फास्टली इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। तो पहला कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम क्यों लानी पड़ी, क्योंकि हमें हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। सो ये सभी स्कीम इम्प्लांटेड हुई है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू द प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। तो बात करें, फर्स्ट इज टाइगर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 20th सेंचुरी की बिगनिंग में क्या होता था कि 14,000 टाइगर हमारे इंडिया में देखने को मिलते थे, लेकिन कुछ कारण थे ड्यू टू द अनरिस्ट्रिक्टेड इनलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, देयर वॉज अ बिग डेंजर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर। 20th सेंचुरी की बात करें तो 40,000 टाइगर हमारे इंडिया में देखने को मिलते थे, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड इनलीगल हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण टाइगर इज ऑन अ बिग डेंजर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन की सिचुएशन में टाइगर देखने को मिलते हैं। देन बात करें, इसी के कारण इन सच सर्कमटेंस दीज प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1971, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर वो स्टार्टेड इन 1971। इसके कारण क्या हुआ कि इसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो क्या हुआ, टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्टेड हुए, देन जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वह भी मेंटेन हो पाया। तो ये प्रोजेक्ट की काफ़ी सक्सेसफुल हमने समय देखने को मिलते हैं। देन बात करें कि टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लांटेड इन अबाउट 44 रीजन। देन हम सेकंड प्रोजेक्ट की बात करें तो एलिफेंट प्रोजेक्ट, तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1992। देन हम बात करें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड द एलिफेंट प्रोटेक्शन इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड टू प्रोटेक्ट हैबिटेट एंड देयर माइग्रेटरी कॉरिडोर। एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो उसकी मोटी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी एलिफेंट है उसको हमें नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट रखना है। देन हम बात करें कि उसके जो माइग्रेटरी कॉरिडोर है उसको भी हमें प्रोटेक्ट रखना है। तो आज की बात करें तो टुडे देर आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन फॉर एलिफेंट इन कंट्री। हमारे इंडिया में अभी 26 प्रोटेक्शन जोन हमें देखने को मिलते हैं। देन हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट के इम्प्लांटेशन का सक्सेस हमें क्या देखने को मिलता है, तो हैज़ बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट। हम बात करें इस प्रोजेक्ट की सक्सेस की, तो इस प्रोजेक्ट के कारण जो एलिफेंट है उसकी उसका जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। देन बात करें राइनो प्रोजेक्ट की, तो राइनो प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो ऑफ इंडिया। हम बात करें वन हॉर्न राइनो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आसाम स्टेट में। द राइनोज आर फाउंड इन आसाम स्टेट, दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द लेस नंबर इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हम बात करें वन हॉर्न राइनो की, तो आसाम स्टेट स्पेशली इन काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। देन हम बात करें सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पर हमें राइनो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइनो विजन 2020। इसका एक टारगेट सेट किया गया कि राइनो विजन 2020 में क्या है कि जब भी 2020 ईयर, यानी कि यह कंटिन्यू ये जो ईयर चल रहा है, इसमें टारगेट सेट किया कि हमारे जो इंडिया में जो राइनो की पॉपुलेशन है वो 3,000 होनी चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ टारगेट ऑफ राइनो विजन 2020। टारगेट इज द नंबर ऑफ राइनो बिकम इंक्रीज एंड टू स्टॉप एट 3,000 राइनो, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें क्या याद रखना है कि यह प्रोजेक्ट हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लांट किया है। देन हम बात करें डेकेड ऑफ 1970, वहाँ पर हमें क्रोकोडाइल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन आज की बात करें तो उसकी
जो सिचुएशन है वो डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस में हमें देखने को मिलते हैं। देन फिफ्थ इज़ वल्चर प्रोजेक्ट। तो वल्चर के बारे में यह आपको याद रखना है कि वल्चर इज़ द क्लीननेस ऑफ वर्कर ऑफ द नेचर। हमारे नेचर के क्लीननेस वर्कर है वल्चर। देन बात करें इट इट्स मीट ऑफ डेड एनिमल। जो डेड एनिमल है उसका मीट इट करते हैं वल्चर। देन बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज ऑफ वल्चर इन अवर इंडिया। देन हम बात करें ड्यू टू द अनयूजल डिक्रीज इन इट्स नंबर दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2004। तो वेरी इंपॉर्टेंट वल्चर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2004। देन सिक्स्थ इज स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट। तो स्नो लियोपार्ड की जो लिविंग है वो कहाँ है कि अबाउट अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स इन हिमालयस। वहाँ पर हमें स्नो लियोपार्ड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन हम बात करें इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग की तो स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2000। देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमें अवेयरनेस फैलानी थी कि स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसी है। देन हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए भी अवेयरनेस फैलानी थी। इसी के कारण इस प्रोजेक्ट को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लांट किया है। देन अदर प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक काश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, देन रेड पांडा प्रोजेक्ट, देन मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट फॉर स्पेशल स्पीसीज ऑफ डियर इन फाउंड इन मणिपुर, देन गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट ऑन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन अवर इंडिया। देन लास्ट टॉपिक इज सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व। हमने इस चैप्टर के लास्ट में यह टॉपिक को पढ़ा था। तो बात करें कि यह तीन वर्ड हमें सिनोनिम्स जैसे लगते हैं। हम बात करें सेंचुरी और नेशनल पार्क की तो हमें ऐसा ही लगता है कि सेंचुरी में भी एनिमल का प्रोटेक्शन होता है, देन नेशनल पार्क उसमें भी एनिमल का प्रोटेक्शन होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं गिर का। तो गिर में लायन का नेशनल पार्क भी है देन सेंचुरी भी है, तो दोनों ही है। तो इसमें क्या है कि सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायो रिजर्व हमें लगते हैं एक जैसे, लेकिन इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सो ऑल दिस थ्री वर्ड साउंड लाइक सिनोनिम्स बट देर इज़ सम डिफरेंस। सो इस डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट इज सेंचुरी। तो सेंचुरी की बात करें तो उसमें ह्यूमन एक्टिविटी आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट। ह्यूमन एक्टिविटी हम सेंचुरी में कर सकते हैं। देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर द ड्यू टू ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल ग्रेज कर सकते हैं यानी कि चराई कर सकते हैं उसका, पर हमें अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। देन हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इस्टाब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज। स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, लेकिन नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज का प्रोटेक्शन नहीं होता, लेकिन टोटली इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ही स्पीसीज या दो तीन स्पीसीज का प्रोटेक्शन होता है, लेकिन नेशनल पार्क में एक से ज़्यादा एनिमल के प्रोटेक्शन के बारे में सोचा जा सकता है। देन बात करें सम फेमस सेंचुरी इन अवर इंडिया इज पेरियार, चंद्रप्रभा, इत्तूर नागरम आर फेमस सेंचुरी। देन गुजरात की बात करें तो गीर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंचुरी है हमारे गुजरात की। देन नेशनल पार्क कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी है उसका डिफरेंस क्या है कि सेंचुरी है उसके कंपेयर में नेशनल पार्क मोर प्रोटेक्टेड जोन है। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। देन मोर देन वन इकोसिस्टम इज इंक्लूडेड हियर। नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें इकोसिस्टम के टाइप्स की तो इकोसिस्टम के भी काफ़ी टाइप्स हैं। हम बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, देन हम बात करें लैंड इकोसिस्टम, देन सी इकोसिस्टम, तो ये सभी टाइप है। तो एक से ज़्यादा इकोसिस्टम हमारे नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। देन हम बात करें कि देर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क में एनिमल ग्रेजिंग अवेलेबल नहीं है, अलाउ नहीं है। देन हम बात करें इट इज़ नॉट सेंटर अराउंड वन स्पीसीज एज इट इज़ इन अ सेंचुरी।
सेंचुरी की बात करें तो इसमें एक या दो स्पीसीज पे फोकस होता है, लेकिन नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज का भी प्रोटेक्शन हो सकता है। देन बात करें हम सम फेमस नेशनल पार्क इन अवर इंडिया इज काजीरंगा, कॉर्बेट, देन वेलावदर, देन मरीन नेशनल पार्क, गीर, रचीगाम आर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ अवर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम स्टेट में हमें देखने को मिलता है, देन कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, देन वेलावदर मरीन नेशनल पार्क एंड गिर आर ऑल्सो इन अ गुजरात स्टेट, देन रचीगाम ऑन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी। देन थर्ड इज बायो रिजर्व जोन, वेरी इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व जोन काफ़ी डिफरेंट है नेशनल पार्क और सेंचुरी के कंपेयर में, तो इट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म। हम बात करें सेंचुरी और नेशनल पार्क की तो वह नेशनल लेवल पे उसके नॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बायो रिजर्व जोन की बात करें तो उसका फॉर्मेशन इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। देन हम बात करें कि द पर्पज़ इज़ टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। बायो रिजर्व जोन की बात करें तो उसका पर्पज़ क्या है कि प्रोटेक्शन करना है फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी दोनों का। देन बात करें बिसाइड्स द वेजिटेशन इंसेक्ट एंड लैंड ऑफ दैट एरिया, देन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। बायो रिजर्व जोन की बात करें तो वेजिटेशन का तो प्रोटेक्शन होता ही है, लेकिन इंसेक्ट्स, लैंड ऑफ एरिया, देन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, इस सभी का भी प्रोटेक्शन किया जाता है। देन बात करें कि सम सच प्रोक्लेम एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ एरिया में ह्यूमन मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्ट होती है बायो रिजर्व जोन में। देन बात करें कि उसका एवरेज एरिया बायो रिजर्व जोन की जो एवरेज एरिया है वह है मोर देन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के से ज़्यादा इसका एवरेज एरिया होता है। सम फेमस बायो रिजर्व जोन इन इंडिया इज नीलगिरी, देन गल्फ ऑफ मन्नार, देन ग्रेट निकोबार, देन सुंदरबन, देन पंचमिली। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नेशनल बायो रिजर्व जोन ऑफ अवर इंडिया। देन हम गुजरात की बात करें तो ओनली वन बायो रिजर्व जोन इन अवर गुजरात इज द रन ऑफ कच्छ, वेरी इंपॉर्टेंट इट वॉज डिक्लेयर एज अ बायो रिजर्व जोन इन 2008 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो लाइक टू नो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि बायो प्रोटेक्शन जोन की बात करें तो हमारे इंडिया में 18 बायो प्रोटेक्शन जोन है, लेकिन गुजरात की बात करें तो केवल एक रन ऑफ द कच्छ। देन नेशनल पार्क की बात करें तो 103 नेशनल पार्क इन अवर इंडिया बट इन गुजरात ओनली 4। देन सेंचुरी की बात करें तो 531 सेंचुरी इन इंडिया बट इन गुजरात 23 सेंचुरी ओनली। देन हमने इस चैप्टर का, इस लेसन का लास्ट पार्ट देखा था, हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या एडवाइस मिलती है इस चैप्टर से। तो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रॉपर एटीट्यूड रखना होगा, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है टुवार्ड्स द फॉरेस्ट। हमें क्या करना है, प्रॉपर एक प्लानिंग बनानी है, हमें अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस भी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना चलेगा नहीं। देन हमें प्लानिंग भी करना है क्योंकि हमें हमारी वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है, तो हमें एक प्लानिंग अच्छा सा करना होगा। देन बात करें अगर हमने ये सब नहीं किया, हमने ये सब इस चैप्टर में जो पॉइंट्स पढ़े उसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा कि थोड़ी सी देरी हमें हो जाएगी इस टोटली प्रोसेस में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि हम लेट हो जाएंगे, जो भी एनिमल को हमें बचाना था उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये सभी काफ़ी है कि इम्पोर्टेंट है कि हमें ये सभी स्टेप को फॉलो करते जाना है। देन हम बात करें कि टोटली जो हमारी इकोसिस्टम है उसका जो बैलेंस है उसको भी हमें मेंटेन करना रहेगा। देन लास्ट में यह सेंटेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरनमेंट इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट डे। हमें फ्रेंडली अप्रोच रखना होगा टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमें अपनी नीडी, हम जो ग्रेडी मोटिव से उसको भी फुलफिल करना है, लेकिन हमें फ्रेंडली अप्रोच रखना होगा टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट।
सो आज के लेक्चर की बात करें तो हमने जो रिमेन पार्ट था, हमारा जो रिवीजन पार्ट था, जो रिमेन पार्ट था उसको हमने कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हम कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की बात करें तो आपको होमवर्क में भी जो दिया गया है उसको आप कंप्लीट करें, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट लेसन 8 एंड लेसन 9 ऑल्सो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझको पर्सनली आप मुझे सेंड करेंगे, उसको आप मुझे पूछेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर होम प्रिपरेशन। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।